नमस्कार, सरकारी पॉलिटेक्निक भूज के मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। कॉम्प्यूटेटेड मैकेनिकल ड्राफ्टिंग के अंदर तक हम ऑटोकैड पे अलग अलग प्रकार के ड्राइंग कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हम ये एक ड्राइंग बनाएंगे। तो मैंने जैसे बताया, सबसे पहले आपको स्केच देखना है, देख के उसका ओवरऑल डायमेंशन देखना है और वो डायमेंशन के हिसाब से आपको अपना एरिया वहाँ तैयार करके रखना है ऑटोकैड में। तो अभी ऑटोकैड कैसे शुरू करते हैं आप जानते हैं। तो मैं ऑटोकैड बनी जा, ये देखा ऑटोकैड आ गया, ये ऑटोकैड आ गया और ये हमने साइज देखी थी, फिर भी अगर भूल गए तो फिर से देख लेने। तो यहाँ देखिए नीचे 11.5 है, ऊपर 9.6 है और उसके साथ में साइड में 3.8 डायमीटर का यहाँ फिलेट लगाया है। तो 3.8 डायमीटर का फिलेट है, उसका मतलब है 1.9 रेडियस है। तो अभी ये एकदम आसान चीज है, 1.9, 11.5 और 9.6 इतना याद रखना है। अगर भूल जाते हैं तो वापस देख सकते हैं। हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम जाएंगे रेक्टेंगल में, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, सिंपल रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में जाके हम क्लिक करेंगे तो नीचे कमांड चालू हो जाता है रेक्टेंगल। इसमें हमें देना है फिलेट, ये फिलेट वाला पूछता है कि फिलेट रेडियस कितनी रखनी है, हम बोलेंगे 1.9, हमने देखा था अभी। अभी पूछता है फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, तो हम कहीं भी क्लिक करते हैं, और सेकंड पॉइंट कौन सा है तो भूल गए हैं तो फिर से देख लेते हैं, 11.5x, 9.6 वहां, एट द रेट 11.5, 9.6। ठीक, मैं जूम करता हूं, देखिए आराम से बन गए, एक पार्ट तो अपना बन गया। अभी दूसरा क्या करना होगा, तो इसके अंदर अभी यहां देख रहे हैं आप कि जहां हमारा ये फिलेट लगा उसके केंद्र में दो छोटे छोटे सर्कल बने हुए हैं। तो एक का डायमीटर 2.5 है और दूसरे का 1.3 है, तो अभी हम वो बनाएंगे। तो सर्कल इसका सेंटर कहीं है, पकड़ना है हमें, तो हम जाएंगे यहां बंद है वो सेंटर वाला पोर्शन, तो हम चालू करते हैं, ये सेंटर ऑन कर दिया और ओके कर दिया। तो यहां सेंटर 1.3 एंड 2.5, तो डायमीटर 1.3 एंड इसी का 2.5, ये बन गया। अभी आप देखिए इसकी चार प्रतिकृति है, 1, 2, 3, 4। तो अभी एकदम सिंपल इसकी कॉपी करनी है, या कॉपी कमांड दबाइए। कॉपी करने के बाद पूछता है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मुझे सिलेक्ट कर लेना है ऑब्जेक्ट। उसके बाद अभी दूसरा कुछ कॉपी नहीं करना है तो मुझे एंटर दबाना है, और पूछता है बेस पॉइंट डालिए, तो मैं बोलता हूँ कि इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, दूसरा इसका सेंटर पॉइंट पकड़िए, जहाँ भी जिसका सेंटर पॉइंट चाहिए उसके ऊपर आपको कर्सर ले जाना है। यहाँ मैं ले गया तो सीधा पकड़ लिया, देखो यहाँ सेंटर और यहाँ सेंटर, तो ये पार्ट भी हो गया। अभी पूछ रहा है यहाँ बीच में 4.5 डायमीटर का सर्कल है, अभी ये इसके बीच में कैसे बनाएंगे। तो ये भी एकदम आसान है, आपको सर्कल कमांड देना है और इसके बाद पूछ रहा है सेंटर पॉइंट डालिए। तो इस वक्त आपको थोड़ा क्या करना है, कीबोर्ड का शिफ्ट बटन और माउस का राइट बटन दबाना है। तो आपको पूछता है, ये मेनू दिख रहा होगा, ये मेनू में है मिड पॉइंट बिटवीन, मिड बिटवीन टू पॉइंट्स, तो आपको इसको सिलेक्ट करना है। बाद में एक ये क्लिक कीजिए और दूसरा ये क्लिक कीजिए, मैं दोनों पॉइंट अच्छी तरह से मिड पॉइंट क्लिक करता हूं तो वो कैलकुलेट करके अपने आप बीच का पॉइंट ले लेता है, और डायमीटर करके एक 4.5 लिख देता हूं, तो ये मेरा ड्राइंग रेडी हो गया। अभी आपको मालूम है कि हमें क्या करना है, ये जो है उनको अभी हमें 3 नंबर के लेयर में डालना है, लेकिन यहाँ 3 नंबर का लेयर अभी रेडी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इसमें डायमेंशन देने हैं, तो डायमेंशन में अभी देने की उसमें नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ बनाया है तो जो शेप यहाँ था वही शेप अभी हमारा बन चुका है। तो इस हिसाब से एकदम सिंपल ड्राइंग फटाफट सिर्फ 5 मिनट के अंदर बन जाता है। सबसे पहले ये डायमेंशन देते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखो 11.5 आ गया। फिर से रिपीट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये 9.6 आ गया। अभी आप देखिए दूसरा कौन सा डायमेंशन, 5.8 वाला दिया है, वह प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जब 5.8 वाला आ गया। अभी ये डायमीटर वाला है तो यहाँ सिलेक्ट करके हमें
डायमीटर डालना है। इसका कितना डायमीटर है? 3.8 का। इसके साथ फिर से हम रिपीट करते हैं, इसका डायमीटर क्या है? 4.5। इसका डायमीटर क्या है? 2.5। इसका डायमीटर क्या है? 1.3। इस तरह से आप पूरा का पूरा ड्राइंग यहाँ बना के तैयार हो गया, डायमेंशन के साथ भी तैयार हो गया। आप यहाँ देख लीजिए, और कोई रह जाता है यहाँ 4.5 और 2.5 और 1.3 और 3.8, ये बस 7 डायमेंशन है। यहाँ भी मेरा 7 डायमेंशन बन गया, और उससे भी बढ़िया स्टाइल से हमारे यहाँ एरो बना के ऑटोकैड ने तैयार करके रखा है। ये एरो भी अगर आप निकालना चाहें तो मैंने जैसे बताया था, यू कैन सप्रेस डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। तो उसके लिए अभी हम यहाँ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हमारा ड्राइंग ये खत्म है ऐसा मान के चलते हैं। जब भी आपको इसमें कुछ और चेंज करने हैं तो डायमेंशन की स्टाइल में जाके आपको सप्रेस कर देने हैं एक्सटेंशन लाइन, तो आपकी वो लाइन भी दिखेंगी नहीं। जो जितनी साइज का ड्राइंग है उस हिसाब से आपको डिम स्केल सेट करके ये देखने को मिलेगा। अभी यह ड्राइंग सेव कर लेना है और आपको दूसरे ड्राइंग पे जाना है। आपने ये समझ लिया होगा, ये मान के मैं यहाँ एक्सरसाइज खत्म करता हूँ, दूसरे वीडियो में फिर से मिलेंगे।